الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين अज दे मुबारक पुर मुसर्रत दिन ईद उल फितर दे अल्लाह पाक हर मुसलमान दी जिंदगी दे अंदर ऐसी खुशी नू बाबरकत फरमाए। मुसलमान आदमी नू अल्लाह करीम ने ए दो खुशियां ऐसिया नसीब फरमाया है। जिस दे अंदर सैयदुल इंस वल जान मुहम्मद खैरुल अनाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी शिरकत फरमाई और हुक्म भी फरमाया और इस दिन को खुशी करने दा अपने अमल नाल उम्मत नू तरीका भी सिखाया। शरीयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे अंदर मुसलमान कौम वास्ते सिर्फ दो ईदा हैं जिन्हां दो दिनों के अंदर खुद मुहम्मद करीम ने खुशी कीती भी है और उम्मत नूं ऐसे अयाम के अंदर खुश करके अल्लाह के दरबार के अंदर हाजरी का और खुशी मनावण का तरीका भी सिखाया ताकि खुशी मनावण के नाल नाल उसका दिल अल्लाह के दरबार के अंदर इबादत की सूरत इख्तियार कर जाए। चूंकि सोहरे महबूब मुहम्मद मासूम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दा कोई लाजा कोई सांस अल्लाह दे जिक्र तो खाली नहीं गुजरिया, लिहाजा पैगंबर ने जो भी अपने वजूद बावजूद विचों हरकत जाहिर फरमाई है ओ इस उम्मत वास्ते रहमत भी बढ़ी और अल्लाह के दरबार के अंदर इबादत भी बढ़ गई। रमजान उल मुबारक का महीना
गुजर गया और अज दे इस दिन नू इन समझो कि अल्लाह करीम ने मुसलमान मुवहिदीन वास्ते अपनी रहमत का दस्तरखान बिछाया है। बज़ाहिर तो हर बंदा यह समझदा है कि दस्तरखान वो होंदा है जिहदे उत्ते मुख्तलिफ किस्म दे खाने दाड़े मौजूद होवन। खाली दस्तरखान ते बहण दा क्या फायदा है? अल्लाह पाक ने अपनी मुकद्दस जगह दे अंदर दस्तरखान बिछाया है, वो भी अपने घर दे अंदर बिछाया है। अगे सहरी और इफ्तारी खा के ते रमजान उल मुबारक नाल वफा कीती है, ते अज दा जिहड़ा दस्तरखां है उस दे अंदर अल्लाह करीम ने मुसलमाना नू अपनी कुदरत दे हत्था नाल रहमतां दे लब्बे भर भर के नसीब फरमावड़े। जिस आदमी नू अल्लाह वल्लों रहमत बतौर तोहफा दे मिल जाए उस तो बड़ा खुश नसीब इंसान होर कोई नहीं। खुशी उस वक्त इंसान नू महसूस होती है जदा उसनू कोई अपनी मन पसंद दे मुताबिक चीज मिल जाए, तो फितरतन हर इंसान के अंदर खुशी और मसर्रत का एहसास पैदा हो जाता है। और सब तो ज्यादा मसर्रत और मुसीबत का ताल्लुक इंसान के दिल और दिमाग नाल आता है। खुशी आवे तो भी बंदे का दिल महसूस करता है, दुख आए तो भी बंदे का दिल महसूस करता है। अल्लाह पाक ने अज की खुशी उन्हां लोगों नूं नसीब फरमाई है जिन्हां लोगों ने दिलों हो के अल्लाह के मेहमान की इज्जत ते कदर फरमाई है। बज़ाहिर आदमी सोने कपड़े पा लवे, ना धो लवे, खुशबू लगा लाए, जहरी ठाठ बाठ है। अक्सर वेख्या करो जिस घर के अंदर मैयत होवे या उन्होंने घर के अंदर कोई हुस्न मलाल का मरहला आ जाता है तो वह ईद वाले दिन भी सोहने कपड़े नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि उन्होंने दिल के अंदर मलाल होता है, दुख होता है, परेशानी होती है। तो मालूम होता है जब तक बंदे का दिल खुश ना होवे तो मुनाफकाना खसलत और आदात अपनावण का क्या फायदा है? दिल च मुसलमान नू खुशी तां ही अज दे दिन दी हो सकती है जिसका दिल तस्लीम कर लिया है कि वाकई मैं अल्लाह दे मेहमान नाल वफा कीती है और मैं इस खुशी का मुस्तहिक भी हाँ। वो शुक्र अदा करता है कि शुक्र है अल्लाह पाक ने मैनू तौफीक नसीब फरमाई है और ता ही आज दे दिन मैं इंसान गुनाहगार नूं अल्लाह ने अपनी रहमत दे दस्तरखां ते बाहर दी तौफीक भी नसीब फरमा दिती है। तुहाडी नजरां दे अंदर भी कई ऐसे लोग गुजरे हो सन जिहड़े अज दे दिन नूं भी उन्हां नूं खुदा दे घर च आवण दी तौफीक नसीब नहीं होती। बहरहाल अल्लाह दे कुरान ने मुसलमान
مومن موحد لوگا واسطے بہت بڑیاں عزت و عظمت والیاں بشارت بیان فرمایا. اللہ نے ایک موقع تے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا. جو لوگ ایماندار ہیں اور انہوں نے عمل بھی اس ایمان نال ٹھکتے ہوئے میرے محمد دی سنت دے مطابق کیتے ہیں, ایسی جماعت واسطے جنات الفردوس. فردوس دا معنی ہوتا ہے تھدی چھاں. فردوس ان نا تو میرے خیال ہے تمہیں یاد ہو سی, فردوس نا تو یاد ہی رہے نا. وہ فردوس نہ سمجھے آئے, یہ جنات الفردوس, یہ جنت فردوس کا ذکر ہو رہا ہے. فردوس کا معنی ہوتا ہے ٹھڈی چھاں, ایسا سایہ, ایسی چھاں جس دے تلے بہن نال سارے دے سارے پچھلے غم تے دکھ تے تھکاوٹ مٹ جاوے. ایسا سایہ انہاں لوگاں نوں نصیب ہو سی تے صرف جنت نہیں فرمایا بلکہ فرمایا جنات. معلوم ہوتا ہے کہ ایماندار اور صالح عمل کرنے والا موحد آدمی لوگ اللہ کریم نے کوئی مخصوص حلقہ جنت دا نہیں دیوڑا بلکہ ای ہو جائے مومن اور مخلص آدمی نو اللہ پاک ساری جنت اس دے حوالے فرما دیوڑی ہے. اور نال ہی اللہ فرماتا ہے نزولا, تسا اس دن میں اللہ دے مہمان ہو سو تے رحمان خود تہاڈا میزبان ہو سی. تے اے نہیں ہے کہ جیویں دنیا تے کسے کوئی مہمان آندا ہے ایک دن رہا دو دن ترے دن آخری اس نے واپس جانا ہوندا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پہلے دن تو دی خاطر توازو بڑی کیتی جاتی ہے مہمان دی, پہلے دن دیسی مرغا بن گیا, ول دوے دن بریلر ہو گیا, تریے دن وقت کل دال یا سبزی ہو گئی, آخر کار گل اچار تے ون کھلو نہیں ہے. مگر اللہ فرماتا خالدین فیہا, جیوے پہلے دن میں اللہ تواڈی جنت دے اندر عزت تے احترام کرنا ہے, اے نہ سمجھے آئے کہ کل کے ہو سی, اے ذہن وچ رکھے آئے آن والا ہر دن میں اللہ تواڈے اتے مزید اپنے فضل و عنایات دی باران فرما دے سا. ہر آئے دن میں اللہ دا فضل وکھدا ہوئے سی, یزیدہم من فضلہی, حتیٰ کہ ایک دن خود مسلمان آکسی کہ اللہ میں اس قابل تا نہ ہم جتنا عزت تے احترام تے اکرام تو میں نصیب فرمایا ہے. اللہ نے اگو جواب فرمایا کہ بھائے تیرے عمل تھوڑے ہر مگر تو دلو ہو کے خوش ہو کے میں رب دے قرآن تے میرے محمد دی سنت تے عمل کر کے دکھایا ہے, اس وجہ تو جیے تو خوش ہو کے مینو خوش کی تئی آج جنت دے اندر میں اللہ خوش ہو کے تینو خوش کر چھوڑا ہے. لا یبغون عنہا حولا, اللہ فرماتا ہے پھر اتھے اے نہیں ہونا کہ کوئی آ کے او ویکھو بھائی او فلانے تے ڈھیر ملدا پیا تے مینوں تھوڑا ملدا پیا,
उत्थे शोर गुल किसे किस्म दा कीना हसद बोक्स गुरबत एक कोई बीमारी उत्थे नहीं होनी ला यबगूना अनहा हे वाला अल्लाह फरमाता है उत्थे कोई शोर गुल भी ना हो सी। दूसरा ये है जिथे तू बैठा हो से किसे दी जरूरत नहीं होनी ते कोई तेनू आखे तू इत्थे उठ के ते उत्थे बह रहो इन समझ के आज असा तेन सारी जन्नत का मालकाना हुकूमत तो सही फरमा देते हैं। क्यों अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत एहतराम मुसलमान नु बख्शी है? उसकी वजह यह है कि मुसलमान ने अल्लाह दे मेहमाना की इज्जत कदर करके भी खाई है। ये तो आम मकूला मशहूर है हया नु हया होंदा जी नु जी होती है। अल्लाह फरमाता है तुसा जेकर मेरे मेहमाना की इज्जत हया कीता है तो मैं अल्लाह तुहाडा क्यों ना हया कर। इस वजह तो अल्लाह करीम ने बार बार मोमिन मुसलमान आदमी नो इयो ही हुक्म फरमाया कि जो काम करना है तो दिलो होके करना है, दिल सुथरा ते पाक करके करना है। जिने जिने दिलो होके मैं रब दे अहकामात दी इज्जत ते कदर तो करेंदा वैसे उतना कदर मैं अल्लाह पाक तेन दुनिया और आखरत के अंदर इज्जत उरूज रसोई फरमा दे। ईद इसका एक माना है खुशी। अगर इस पिछू वाह चलाओ ईद तो पहले वाह यानी बन रही सी वाईद तो इसका माना हो सी खुदा का कहर ते अजाब ते गिरफ्त। वा हरफा हटाया सिर्फ ईद है तो इसका माना क्या है खुशी। ते जे पिछू वा लग जाए तो फिर बन लगी है वाईद फिर खुदा का अजाब। फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफ वाईद मेरा सोना मुहम्मद पाक इन्हों समझा ये ईद हासिल करनी ने तो सब तो पहले तुम मैं रब दे कुरान नाल ताल्लुक पैदा कर लगा सी। जे कुरान नाल ताल्लुक ना पैदा किया तो फिर ईद नहीं बल्कि वाईद है। अल्लाह का कहर है अल्लाह का गजब है अल्लाह की नाराजगी है। इस वजह तो अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को फरमाया फज़क्किर बिल कुरान मेरा सोना मुहम्मद पाक इन्होंने आके मेरी वाईद को बच के अगर ईद हमेशा दी हासिल करनी है तो हमेशा ताल्लुक भी मैं रब दे कुरान नाल पैदा कर रहा हूं। इस वास्ते एक जगह ते अल्लाह करीम ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान जिस बंदे ने अपने दिल के अंदर रब की ना फरमानी का खौफ पैदा कर लिया है कि मैं रब की ना फरमानी न करा जन्नता फब अये आला ए रब्बी कुमार तो गजे बात अल्लाह फरमाना फिर तेन ऐसिया दोहरिया जनता नसीब फरमा दे सा कि तेरे इस इज्जत ते मकाम ते उरूज नु वेख के डोरी फिरिश्ते भी रश्क कर रहे हो। ऐसे मोमिन मुवाहिद मुसलमान भी होसन जिन्हों का सोड़ा मुहम्मद करीम जन्नत के सदर दरवाजे ते इस्तकबाल फरमा रहा हो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना अव्वलो मन युफ्तहु लहू बाबुल जन्ना सब तो पहला मैं मुहम्मद पाक होना है दिन कयामत दे मैं जब जन्नत वाले पासे इन्हें कदम उठाई सा तो अल्लाह पाक जन्नत के सारे दरवाजे खोल दे सी।
क्या मतलब? मतलब यह है कि सारी की सारी कायनात खलोती है विच अंबिया किराम विच शोहदा सिद्दीकीन सुलहा, सब कायनात खड़ी है। दरवाजा उस वक्त जन्नत का खुल सी जब जन्नत वाल मेरा मोहम्मद कदम रंजा फरमा सी। जन्नत का दरवाजा जब खुलना है तो उस वक्त सोने मोहम्मद रसूलुल्लाह नाल सब तो पहले ओ खुश नसीब लोग हो से जिन्होंने दिल की सदाकत की इंतहाई दर्जे तक मोहम्मद नाल वफा की है, उन्होंने लोगों की अंगली फट के मोहम्मद करीम अपने कट्ठे जन्नत के अंदर दाखिल हो जावना है। भाइयों तुसा ते मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकते। मेरा ईमान यह है कि जन्नत का हुस्न अल्लाह बनाया तो सूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया। जन्नत अगर सोहनी लग रही हो रही है तो वह सोहे मोहम्मद रसूलुल्लाह नाल लग रही हो रही है। जन्नत जी एडी सोहनी होंगी तो अल्लाह करीम सब तो पहले दाखला मोहम्मद करीम नसीब न फरमावेगा। अल्लाह ने मोहम्मद करीम सब तो पहले दाखिल किया ही इस वजह तो है चल ताकि जन्नत की रौनक दिवाला हो सन तो वजूद मोहम्मद सोहे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी इज्जत कदर अगर अपने वजूद फिट करनी है तो अल्लाह के महबूब की जिंदगी की हर अदा का खजाना ते जामिर बन के सिर्फ रब का कुरान आया। कुछ लोगों का मैं ऐलान पे सुनता हूं कि सुबह 6 बजे ईद पड़ी गई सी, कई ने 6:15 का 6:30 का, और मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने इतना जल्दी ईद पढ़ावना और तुसा भी समझ सकते हो सो तुसा ही समझते हो सर हूँ बुलेंदे नहीं क्योंकि मौलवी नू तंग तुसा कीती खलोते होते हो तुसा ही मौलवी नू आदे हो नहीं जीवत गर्मी होंदी है तो यू होंदा तो फला होंदा है, असल दे अंदर गर्मी शर्मी नहीं होंदी। तुहाडा इह ज़हन होंदा है कि मौलवी कोलों जल्दी छूट मिले तो फिर शैतान नू जफ्फी पाईए, जो खराफात ते लगवियात ते बकवासात दे मेले लगे उन्होंने इंजॉय करिए। ओ भाइयो इस दिन नो क्यों अपने खराफात ते बकवासात नाल ज़ाया ते बर्बाद कर दे हो? ईद वाले दिन जितना ज्यादा खुदा दे दरबार च वक्त अदा करे सो जितना खुश हो के अल्लाह के घर के अंदर बसो खुदा की कसम है असल इबादत हो है जितना ज्यादा रब के दरबार च बांधा हुई सी उतना कदर अल्लाह पाक दे पिछले गुनाहों उत्ते लकीर फेर छोड़ दिया है। इस बंदे का ज़हन ही यह है कि मैं जल्दी जान छुड़ावा ते मैं जो बकवासात हैं ते जो खराफात हैं उन्हें विच शरीक होवा। ओ बंदा मसीह ते जावे तो क्या है जे ना आवे तो क्या है? यो जे मुलवाणियां दे ईद पढ़ाए ते भी लानत है जेड़े सिर्फ अपना चंदा ते पैसा इकट्ठा करन दी खातिर सारा कुछ आवाम दे ऐन मुताबिक अमल कर दे मगर मोहम्मद दी सुन्नत दा हया नहीं मोहम्मद दी शरीयत दा हया नहीं मोहम्मद दी सीरत ते कदर दा हया कोई नहीं। हालांकि मोहम्मद करीम दी कोशिश ये होंदी है जितना लेट होए ताकि मुसलमान कोई रह न जाए क्योंकि ईद वाला दिन मोहम्मद की शरीयत ने मुकर्रर कीता है ताकि जितना ज्यादा मुसलमान आवे ते अल्लाह उन्ना सारे दी मगफरत फरमा छोड़े। सोहे मोहम्मद करीम ने तो कोशिश कीती है कि मेरा उम्मती कोई इस दिन गुनाहगार बन के ना रहे। खुशी तो उस बंदे को होनी चाहिए है ना जिसने आज के दिन अल्लाह गुनाह माफ फरमा छोड़े। अल्लाह शाला सारे दे माफ फरमाए आमीन ने आ दे खैर तहे। अज खुशी वाले दिन ही खुदा नाल रूठे बैठे हो अल्लाह दे बंदे हो। बंदा खुश होवे ना तो आमीन ओदे अपने अंदरों खुद निकल वही नहीं आखां दी जरूरत नहीं होती।
मगर मैं इस वजह तो तुहानू आधा ताकि हो सकता है तुहाडे इस जज्बे की वजह तो खुश हो के जो तुस उच्ची आवाज नाल अल्लाह के दरबार जा सरो जो अल्लाह आमीन साडे गुनाह माफ फरमा। हो सकता है किसे एक दे जज्बे की वजह तो भी अल्लाह असा सारे दे गुनाह माफ फरमा जो है। गुनागार तो है असा, कुफरिश्ता सीरत तो है नहीं, लगजश लाचार निसियान भुलेखा हर इंसान को हो रहा है। इंसान को अपने अमल से मार नहीं करना चाहिए, हर वक्त उस उम्मीद रब की रहमत रखनी चाहिए है कि कोई यही घड़ी आ सकती है जिस घड़ी के अंदर अल्लाह पाक मैं अपनी खास रहमत का मुस्तहक बना दे। वरना भाइयों जिस क्यामत दे दिन दे मुतालिक अल्लाह दा रसूल खुद फरमांदा है कि उसका कहर उसका गजब इतना शदीद हो रहा है कि मैं खुद मुहम्मद भी दुआ खला करेंदा हो सा रब्बे सल्लिम नफसी, रब्बे सल्लिम नफसी ऐ मेरा मैनू महफूज फरमा, मैनू सलामत रख। समझ रहे हो? हालांकि वो इमामुल कायनात है, सैयदुल कायनात है, मगर उस दिन भी होल नाकी नो वेख के मोहम्मद पाक खला आता हो सी अल्लाह मैनू बचा, मैनू महफूज रख, मैनू सलामत रख। जिथे मासूम पैगंबर ए खला आता हो जो अल्लाह मैनू बचा, उत्थे तुहाडी बड़ी हालत के हो सी। इस वजह तो अल्लाह दे कुरान ने कानून बयान फरमाया है, उससे हिक्के दे मुताबिक जिंदगी बसर करने का आदमी अगर अल्लाह नाल अहद करे तो यकीनन अल्लाह करीम ऐसे मुसलमान नो मौत इस हालत च दे सी कि उहदे जिम्मे अल्लाह कोई गुनाहगार न दे सी। الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لوگ جنہاں نے سونے محمد تے ایمان لے آندا ہے، الذين آمنوا جنہاں لوگاں نے मेरे सोने महबूब ते यकीन रखे है मेरे लारे कुराने मुकद्दस ते कामिल दर्जे दा यकीन रखे है, इंज दा यकीन रखे है कि दुनिया की कोई शख्सियत या दुनिया की कोई तहरीर ते किताब भी क्यों नहीं आ गई। उन्होंने हर जबान नू ठुकरा दिता है मगर मेरे कुरान ते साहबे कुरान नू यकीन कमजोर नहीं आन दिता। जिवे जिवे उन्होंने कमजोर करन दी कोशिश की गई उन्नी उन्नी मोमिन दा ईमान होर मजबूत हों लगे। कई तो हुणे नाल मोए पैन यारी नाल जगह होई सही यो को जज्बा ईमान दा الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم जिन्हां दे अंदर ईमान वाली दौलत आ गई है, जिन्हां दे दिल ने मनिया के दुनिया दा मुगलत दा शिकार हो सकती है मगर रब दा कुरान ते साहबे कुरान मुहम्मद खैरुल अनाम मुगलत दा शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हां दोवां दी हिफाजत दा जिम्मेवार कौन है। अल्लाह फरमांदा है कि अस कुरान दे मुहाफिज़ आए।
سر مکم الناس اسا سونے محمد دے وی محافظ آئے نہ قرآن دے اندر تبدیلی آ سکدی تینا میرے سونے بے مثال جوان وچ تبدیلی آ سکدی جڑے اس گل نو مندے ہو نا وہ ہاتھ کھڑا کرو جڑے مندے ہو نہ قرآن تبدیلی نہ محمد تبدیلی آ سکتی ہے تبدیلی جڑے لوگ منن والے ہوں ذرا اپنے اسے ایمان دے مطابق میرے سوال دا جواب دیو جے کر کوئی بندہ آکھے کہ جادو دی وجہ تو محمد دے داڑھی والے وال وی ڈھائے گئے جادو دی وجہ تو محمد دا دماغ وی معروف ہو گیا جادو دے اثر دی وجہ تو پیغمبر مردمی قوت تو وی محروم ہو گئے اے دعویٰ کرنے والا محمد تبدیلی منتا پیا یا نہیں پیا منتا منتا پیا نا جیڑا میرے محمد تبدیلی مننے او ابو جہل دی ذریت دا ہو سکدا ہے میرے محمد دا امتی نہیں ہو سکدا اس وجہ تو کیونکہ اللہ دے قرآن دا قانون ہے اللہ دے قرآن دے بارے فرمایا اللہ نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اس قرآن اتارن والا بھی میں آپ اس کی حفاظت کرن والا بھی کون ہے اے میرا پاک پیغمبر جی قرآن اپنی مرضی نال نہیں آیا ان تو محمد بھی اپنی مرضی نال نہیں آیا جی او میری پسند بن کے آیا ہے ان تو محمد بھی میں رب دی پسند بن کے آیا ہے جی تبدیلی نہیں آ سکتی اس تبدیلی نہیں آ سکتی جی اس دی حفاظت کرنا والا میں پیغمبر دی حفاظت کرنا کون اس وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر جدا قتل دا منصوبہ بنایا گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے حجر عالیہ دے اندر راحت فرما رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے فرمایا اٹھیو میرا پیغمبر تیرے قاتل تا تیرے گھر نو گھیرا دیتی کھلوتے ہیں تیرے قتل دیا تیاریاں کیتی کھلوتے ہیں سارے آنے تیرے گھر نو بارو گھیرے دے اندر لیا ہویا اللہ کریم نے فرمایا اٹھی میرا پیغمبر تو تیری ہجرت دا ٹائم آ گیا ہے اللہ باہر تا دسیندا جو پیا جو قاتل کھلوتے ہیں اللہ پاک فرماندا ہے میرا پیغمبر توجہ کر اللہ کریم نے فرمایا او میرا سونا پیغمبر تینوں پھوکے ماراں دی ضرورت نہیں تینوں منترا تے ٹونیا ٹپلیا دی ضرورت نہیں ایو قرآن جڑا تیرے سینے تے میں اللہ نے نازل فرمایا ہے اسے قرآن نو پڑھدا وان تینے پھوک تو چمار انہاں نو انا کر کے تے تینوں با حفاظت بچاون والا کون ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر چوں نکل گئے اپنی منزل تے وی پہنچ گئے تے او باہر اونے انے دے انے بن کے کھلوتے اجا انتظار اچ ہن کے محمد تہجد دے ٹائم تے باہر نکل سی مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو غار ثور تک اپڑ چکے ہیں تو کہ اللہ پاک سوڑے محمد کریم نو انہاں دشمناں کولوں بچایا ہے بچایا ہے تے جادو کرن والی چھوڑیاں دے دانت اللہ نہیں بچا سکدا بولو نا یار چلو کہ مرد دا نام لوے نہ وقت وی چلو خیر صلاح ہی چلو سوڑے محمد دے مقابلے چ آیا تا ابو جہل مرتا ہے سوڑے محمد تے جادو دا اثر مننا تے او بھی دو چھوڑی کولو تے او بھی یہودڑیاں کولو اے کسے خسرے دی نسل دا بندہ محمد تے بکواس کر سکدا ہے ورنہ میرے محمد مصطفیٰ دی او وجود تو وجود رہا میرے محمد دی تھوک مبارک بھی ایسی حالت بے عیب تے بے مثال ہے جس پیغمبر دی تھوک نو ہی اللہ زمین تے ڈھال نہیں دیندا
जिस पैगंबर दे लोहाबे दान ते रब इतना पहरा लगाए, उस पैगंबर दी दाढ़ी दे वाल तो आना गिर गए, उस पैगंबर दे दिमाग ते असर मंदा है। और तू किसे दज्जाल दी नस्ल दा हो सकदा है, वरना मेरा मोहम्मद दा अजा बोलन दा इरादा करदा है। अल्लाह फरमादा खलोवे खलोवे मेरा पैगंबर, मैं पहले तेरा तारुफ करा देवा दुनिया नू के बोलन वाली कैसी शख्सियत है। मोहम्मद अपने शफ़ातैन ते होठां नू हलाल दा इरादा फरमाया। अल्लाह पहले फरमादा दिल ले ही या रब, ओ लोगो मैंनो अपने मोहम्मद दे होठां हलाया दी कसम है। क्या मतलब? अल्लाह तसल्ली चांदा है, ओए मैं रब कसम चा के कह रहा, दुनिया बदल सकती है मगर मेरे मोहम्मद दे होठां चो कदी मुखालता निकल ही नहीं सकदा। जिस पैगंबर ते शफ़ातैन दी रब कसम उठाए, उस पैगंबर ते जादू दा असर मनना ए मुसलमाना दा काम। बोलो ना यार, ए मुसलमाना दा काम। इस वजह तो अल्लाह करीम ने फरमाया है, अल्लज़ीना आमनू, जिन्होंने कामिल दर्जे दा कुरान ते ते साहिबे कुरान ते ईमान पैदा फरमाया, इयो जै लोग बड़े खुश नसीब होंदे नी ओ मेरा सोहणा मुहम्मद। क्यों? जिन्हां नू मेरे कुरान ते ते तै मुहम्मद दी जबान ते इत्माद करना नसीब हो गया, ओ अपने कमाल नाल उन्हां नू ए शर्फ नहीं मिलिया, बल्कि ए ओ लोग जिन्हां नू मैं अल्लाह ने खुद पसंद फरमा लिया है। कोई मुलाजमत कोई जॉब भी हासिल करनी होवे तो इंटरव्यू देना पौंदा है ना, है पंज सामियां खाली होवन तो 5,000 दरखास्त होंदियां होंदियां कि नहीं, तो सिलेक्ट तो कितने ही होवने, पंज ही होवने, तो वह भी उन्होंने बजाहरे विखावना पैसा मैरिट ते भर्ती पे कर रहे। मैरिट ते कोई होया अजकल पाकिस्तान, मगर नाम तो यही होता है, मैरिट ते हो रहा है। मगर अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने तो ऐलान फरमाया कि मैं अल्लाह तुहानू जन्नत देनी है, मैं अल्लाह तुहानू अपनी रहमत देनी है, मैं अल्लाह ने तुहानू अपनी बरकत दा नज़ूल करना है, मैं अल्लाह ने तुहानू इस खुशी वाले दिन। अल्लाह 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 करीम ने एक सामने चाट रखा है। अल्लाह फरमांदा है, और असा भी वेखना कि साड़ी जन्नत वाले मैरिट ते कौन उतरदा, कीड़ा उतरदा है। उन तदावे सारे करदे पए, कलीमुल्ला भी आदा कि मैं जंती हाँ, ईसाई भी आदन मैं जंती हाँ, बरेलवी भी आदन कि असा जंती हाँ, दियो बंदी आदन गैर मुकल्ले दा दिन, उस्मानी या जमीनी या कोई अपना या बिगाना, सारे दावे तपे करदे, मगर अल्लाह फरमांदा है जन्नत उन्हां नू मिलनी है जिहड़े मैं रब दे मैरिट ते उतर पाए। मैं रब ने केड़ा मैरिट दा मेयार रखिया, अल्लज़ीना आमनू, मैं रब ने मैरिट रखिया ईमान होना चाहिदा है, ईमान तुहानू कुरान चो मिलना है, मेरे मुहम्मद दी सुन्नत चो मिलना है। जेड़े इस मैरिट ते उतर गए ते उतरना उन्हां लोगां ने जिन्हां नूं उतरण दी तौफीक देवण वाला कौन है, उन्हां नूं पसंद करके देवण वाला कौन है। अल्लाह फरमांदा है जिन्हां नूं ए दौ
दौलत ईमान मिल गई। उन्होंने कुरान तेरी यकीन रखिया, मेरे मोहम्मद की हर अदा तेरी यकीन रखिया। क्यों? उन्होंने मनिया कि मोहम्मद की हर अदा बेमिसाल है, मोहम्मद के हर साय च रामत है, पैगंबर की हर हरकत च रामत है। तुहाडा मेरा इयो ईमान है कि नहीं? इयो ही मान है ना, क्योंकि अल्लाह दे पाक पैगंबर नो अल्लाह करीम ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। सोने मोहम्मद रसूल अल्लाह दी हर अदाए च रहमत, पैगंबर चलता है, उठता है, बांदा है, खांदा है, पींदा है, तुरदा है, बोलदा है, हसदा है, रोंदा है, सोंदा है, ओदी हर अदाए च अल्लाह ने रहमत रखी। तो अल्लाह करीम फरमाया गए लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, मेरे पैगंबर की जिंदगी का ऐसा पे आए बेमिसाल नमूना है, क्योंकि ओदी हर अदा विच रहमत। मेरा पैगंबर चले तरामत खावे तरामत, मेरे पैगंबर की सूरत सीरत बसीरत च रहमत, मेरे पैगंबर की कदर ते सुन्नत ते तरीकत च रहमत, मेरे पैगंबर की सूरत इयाबो जिहाद च रहमत, मेरे पैगंबर के उसरे ते यूसरे च रहमत, मेरे पैगंबर के नजर और फिक्र च रहमत, मेरे पैगंबर की जोर और असर च रहमत, मेरे पैगंबर की अदाओ हयाओ वफाओ इशाए च रहमत, मेरे पैगंबर की तकमीलो तजमीलो तनवीलो तनजीलो तबशीर के अंदर भी रहमत, मेरे पैगंबर की खसलत आदत किरदार की रहमत, मेरे पैगंबर के उसरो वकार के अंदर भी रहमत, मेरे पैगंबर के इयाबो जियाबो किताबो खिताबो जुबानो लिसानो कुरान च भी रहमत, मेरे पैगंबर के तकम्मुल तजम्मुल तनव्वुर तखशो तखज्जो तहसुल तनव्वुर तकर्रुम तनज्जो तकद्दुस जी रहमत, मेरे पैगंबर के यमीनो शमाल जी रहमत, मेरे पैगंबर की कील ते काल जी रहमत, मेरे पैगंबर के उठने ते बाड़े ते खाने ते पीने जी रहमत, मेरे पैगंबर की इमामत अमामत हजाकत नजाकत तिलावत किराअत सजाअत सिदारत अमामत जसामत रे लताफत रे हजत जी रहमत, मेरे पैगंबर के उसरे यूसरे जी रहमत, मेरे पैगंबर के जहूर कुबूल जी रहमत, मेरे पैगंबर के उसूल जी रहमत, मेरे पैगंबर की रफात के अंदर भी रहमत, मेरे पैगंबर की मिल्लत मल्लत हजर ते नजर ते बदर ते जोहर ते असर जी रहमत। हत्ता के अल्लाह करीम ने फरमाया है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, ओ लोगो जे मेरे मोहम्मद दे फुल दी रीस करे सो तो तुहाडे फुलने नू ही मैं अल्लाह ने पसंद कर लेना। इस वजह तो अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लज़ीना आमनु जिन्ना लोगों ने मेरे मोहम्मद ते मेरे कुरान ते इतबार किया लोगों मैं अल्लाह करीम वाल अपनिया रहमत के साए तले कर लेंदा होना, तू मेरा कुरान पढ़न वाला मेरा मोहम्मद मुस्तफा होवे, अगू सुन वाला सिद्दीक अकबर होवे, अगू सुन वाला उमर फारूक आजम होवे, अगू सुन वाला उस्मान गनी है, हजरत अली हैदर करार है, अमीर मुआविया खालुल मुस्लिमीन है। अल्लाह करीम फरमाइंदा है इदू मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान कला पढ़दा होवे वाला गो सहाबा किराम दे दिल जड़े उन्होंने दिलों के अंदर मैं अल्लाह नूर ईमान नू खला भरदा, मैं असहाब पैगंबर नो क्यों पसंद फरमाया मैं हत्ता के जमात का पैगंबर दिया, मगर वतनी अल्लाह सहाबा के बारे फरमाता है ओला अपने ईमान नाल दसो अगू सारे गुदड़ी नशीन बैठे होवेन जिन्हां दे तन ते कपड़े भी कोई ना होवेन ते अगू अल्लाह दे पैगंबर दी महफिल दे अंदर बैठे होवेन ते उत्तों जिबरील अमीन कुरान लैके आवे ते इशारा फरमावे ओला एकावा उला
और जिम्मे को बंदा आता फलाना बंदा कितने आ बैठे अल्लाह फरमांदा ओला मेरा सोना पैगंबर ये लोग जड़े तय पैगंबर दे कदम डट अल्लाह केड़ा दिल ठरे आने उन्हें मुवहिदीन दा के जिन्हें दे बारे अल्लाह अर्श बरी तुषार तो फिर नाजल फरमांदा है बंदा जिन्हें कहन आता है कि आए ते बंदा इदिया दे वेखन लग रहा है कि केड़ा है जब बारे बंदा प्यादा जो आ बैठा है अगू अल्ले ने ओदा भी नाल नाल सराहत नाल बयान फरमा दिता है उला इशारा इत्थे मुक गया अगू अल्ला फरमांदा कारा उला अगू का अल्लाह फरमांदा मेरा सोना अये लोग इदे अदे ना वेख का ये जेड़े तय मोहम्मद दे कदम ते डटे पाए हैं उला कतब फी कुलूबे मौल ईमान इन्ना दे दिला दुते मैं अल्ला ने ईमान आले बोल लगा दुते मेरा मोहम्मद सख्ती की तीता भी ना मने है तो नरमी की तीता भी ना मने है इन्ना ने भुख जाली है तामी तेरा साथ नहीं छोड़िया ए वतनू बेवता डोए मगर तेरा साथ नहीं छोड़िया बिलाल दे करता ते खंजर रखेरा गया है तो सीने ते पत्थर रखेरा गया है ते प्यारा रखेरा गया है और ता मन लाया है के मोहम्मद मागला मजनू ते पागल है बिलाल तो अपनी जगह ते रह गया एक खुबैर सहाबी मरसूली दे तख्त ते लिटाया गया है लटकाया गया है ते ओदे इत्थे दर्द ते नेजा चभोक खले आते वे हुण ता तेरा दिल लदा खलोता ओड़ा वै के मोहम्मद ते ईमान ना लै आंदा ता अज दा ए औखा दिन ना वेखणा पड़िया ओ वल वी हसद ते लस्तो बाली ही ना उकतालो मुस्लिमा ओ यार तेरो तो मेरी एक जान दी परवाए जे मैनू अल्लाह पाक वारी वारी नाल लखा जाना दे लिया ते तू मैनू सूली ते चढ़ेंदा रह जावे लखा जाना ता कुर्बान करनिया बर्दाश्त मगर मोहम्मद दे पैर च कंडा चुभ जावे ए मैनू बर्दाश्त नहीं हो सकदा अल्लाह मोहम्मद की जबान आ जाए उत्थे फिर दुनिया बल्कि जमीन अपनी जगह छोड़ दे रहे मगर मोमिन दा यकीन इदे आदे ना जदा इंज कामल दर्जे दा यकीन पैदा हो जाता है अल्लाह फरमांदा लहुमुल अमन फिर मेरा वादा है तेरी जिंदगी दे अंदर तेरे मुल्क दे अंदर तेरे महल्ले दे अंदर तेरे घर के अंदर लहुमुल अमन मैं अल्लाह हमेशा ही हमेशा अमन ते सुकून दा ऐसा साहिबान तार देसा भावे जेड़ी कोई पावर वाली ताकत भी आ जाए तेरा वाल भी डिंगा कोई कर सकदा नहीं ये जमानत कह दीती है असा अल्लाह दी नहीं मनेंदे तवीज आलिया ते खलो रहने हैं अल्लाह ते यकीन बोलो अपने ईमान नाल दसो जे बंदे नू अल्लाह ते कामिल दर्जे दा यकीन होवे ओ तवीज लै सकदा है बोलो तुसी लै सकदा है उहो ही लई सी जिहदा खुदा ते यकीन ते जे खुदा ते यकीन कोई नहीं सारी दुनिया तेरे नाल रल जाए सारी दी सारिया ताकत तेरे मुठ ते खलोती होवे फिर भी तेनू जिल्लत ते रुसवाई को बचा सकदा ते जे एक खुदा नाल तेरा ये ताल्लुक ते दोस्ती होवे सारी दुनिया तेरी मुखालिफ होवे तो भी अल्लाह फरमांदा असा तेरे वाल नू भी तत्ती वाह लगा रहा नहीं दे मगर अल्लाह दी बात ते असा यकीन नहीं करेंदे
मौलवाणिया ते लिखतां ते हर आए दिन नवे तो नवी गल आउंदी है। अल्लाह अल्लाह वेखो मजहबी तासुब अपनी जगह ते है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हूँ सारी दुनिया ही मरकजी शहादत तौहीद दी हो जाए, दुआ तो कर सकते हैं जो इंशाल्लाह सारी हो जाए। प्यो दादे का मजहब हर घर को प्यार आता तो आमीन आखन लगे थोड़े जे पासे जो होता तो है कुछ ना कुछ, क्योंकि यह सानू गुट्टी जो पहले दिन बाबे अबू जहल पाई है जिथे ही मुहम्मद ने कुरान सुनाया है। उस अगू आखे मां वजद ना अलई है आबा आना, हम तो उसी पर चले गए जो कुछ हमें आबाओ अजदाद देकर गए। आबाओ अजदाद दी रीत चलना एक काफर दा नजरिया है, एक काफर दा तरीका है। सारे आबाओ अजदाद नु छोड़ के मुहम्मद दी रस्सी ते चलना यह मुसलमाना दा तरीका है। ये मैं नहीं कह रहा कि औलिया अल्लाह जड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने छोड़ दियो। बाजे बाजे लोग आते मियाँ असा इस वली उल्ला नु ताई मनते हैं जो ये न होंगे तो साढ़े तक कोई दीन अपलना ही होंगे है ना। लोग आते हैं मियाँ ये मुतकद्दमीन औलिया अल्लाह हैं बुजुर्ग हैं ते बुजुर्गों के बड़े गुस्ताख हैं, ये मुड्डू बुजुर्गों की गल मनते नहीं, कुरान 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 की गल करते हैं। बुजुर्ग न होंगे तो साढ़े तक कोई दीन अपलना है, साढ़े को दीन अपड़े है तो इन्हों बजुर्गों के कोलो साढ़े को पहुंचे। अच्छा मैं ये दसो बजुर्गों को पहुंचे अगर उस बजुर्ग तुहानू ये तालीम दिती है कि तुस कुरान सुन्नत नू छोड़ के तो बजुर्ग 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 का वजीफा करना है तो अपने ईमान नाल दसो बजुर्ग रह सकता है। जरा मुरीदा यह आखे भी तुम कुरान सुन्नत वाल वजन की जरूरत नहीं, बजुर्गों का पूछो ले कोई एक बजुर्ग जेड़ा औलिया अल्लाह होए, मेरा अल्लाह की कसम चैलेंजे होवे वलीउल्लाह तो उस किसी मुरीद नू आखे होवे कि मैनू तुसा ना पलियो बाकी दीन वजदा है तां वंजन भी हो कुरान सुनत वंजन की जरूरत कोई नहीं, सिर्फ साढ़े नाल रलो असा तुम खिलाफत चुल पवा दी। खुदा की कसम तारीख इस्लाम कोई भी ऐसा अल्लाह का वली गुजरे बोलो कोई नहीं गुजरे। जिस वली की विलायत की शहादत रब का कुरान पिया देता है अला अल्लाह है जमानत पे देना बगैर हिसाब के मैं अल्लाह उन्होंने जन्नत नसीब फरमा छोड़ना। मगर अल्लाह वलिया का जिक्र किया है, औलिया अल्लाह है जेड़े वली उस जेड़े वली सिर्फ पूछल फदन आए उस उन्होंने बारे अल्लाह कोई नहीं आखे। वली तो बच वही सन तो तू तो मैं वातों से खुडे लैन लगे पे उस। दूसरे नंबर से साढ़े तक अगर वलिया ने दीन ते इल्म पहुंचाया है तो दस उन्होंने इल्म ते दीन कहिंदा पहुंचाया है। इस वक्त भी अगर औलिया अल्लाह ने दीन पहुंचाया है तो उसका सबूत अगर मौजूद है तो सिर्फ रब का कुरान मौजूद है। दुनिया की हर किताब तब्दील हो सकती है, रब दा कुरान बोलो नहीं तब्दील हो सकता। इस वास्ते बुजुर्गों की इज्जत जरूर करो, उन्होंने एहतराम जरूर करो। बल्कि मेरा अकीदा है अगर बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के फिर अगर वो औलिया अल्लाह दी करदा तो ही या वलीउल्लाह वल नजर इंज तिरछी ते बड़ी नफरत नाल वेखदा है खुदा दी कसम है वो बंदा मुर्तद है, दर इस्लाम विचों खारिज है, क्योंकि वली दी विलायत दा शाहिद रब दा कुरान बन के आया है। जिसका वली दी तौहीन करदा है गोया रब दे कुरान दी तौहीन करदा है। जिहड़ा तौहीन कुरान दा मुर्तकिब होंदा है वो पहले दर्जे का काफिर हो सकता है। मगर मैं सिर्फ इतना तेनू समझा चाहना वली उस मन जिसकी विलायत रब दा कुरान भी तस्दीक
کرے محمد دی سنت دی تصدیق کرے جڑے ہوویں داڑی من کے تے شراب وچ ٹن پے ہوویں تے بھنگ پیوان والے ہوویں اے ولی ہو سکدے نہیں اے ہو سکدے نہیں تواڈیاں میریاں دھیاں بہناں دی عزت نال کھیلن والے اے دلے تے تیوس دا ہو سکدے ہن کدی اللہ دے دربار وچ ولی ہو سکدے نہیں ہے تاں اللہ کریم نے فرمایا دس منٹ پے ہور تھوڑے دس منٹ تو ہور پے نا اچھا اے پیچھا ہے اچھا اے نہیں آخیا بھائی وہ پیچھا ہے خیر بہرحال اللہ دے قرآن نے فرمایا الذین آمنوا او میرے قرآن تے اعتماد کرو میرے سونے بے مثال جوان تے اعتماد کرو میرا سونا محمد رسول اللہ میں توجہ کرے جدا معراج تو واپس ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے کچھ لوگوں نو دسیا کہ یار راتی انہیں مینو اللہ کریم نے انعامات نال نوازیا ہے عجوبہ جی گل جو ہے تو سارا یہ معاملہ ہے قدرت دا کرشمہ اللہ دی قدرت نال گئے بھی صحیح تے واپس بھی آ گئے اللہ دے پیغمبر نے جدائے فرمایا ہے صحابہ کرام مسلمان وڈے خوش ہوئے کہ ساڈے پیغمبر نو اللہ نے وڈے عروج تے عزت تے عظمت نال نوازے ہے ساڈے محبوب محمد معصوم نو اللہ کریم نے وڈے وڈے انعامات تے باران نال نوازے ہے اے ایک دوے نو دسن وی لگ گئے تے دعا انہاں دا ذہن آئی کہ اسا اس گل نو ہور مشہور کریے تاکہ دشمن ہور سڑے دشمنوں نو سالنا بھی تو عبادت ہوندی ہے ہون نہیں انجے کرے نہیں چاچے مامے بابے جو لگ دے ہوئے سارے دے کٹھے جو بانا ہویا مطلب اے صحابہ کرام کوئی قرآن پاک دا انعام دا حکم آوے آپ پھیلیں دے ہم تاکہ دشمن ہور سر جو گل مشہور ہوئی ایک کافر تاجر ہوندا اے تجارت کرندا اے صدیق اکبر دے کٹھے جدا پتا لگا ہے کہ صدیق اکبر دیار محمد مختار دے بارے گل مشہور ہے او دوڑدا گیا صدیق اکبر اپنے بار باغات نو پھیرا ودے مرے دے آن او اجا ادھے ہی ودے آن تے تاجر اٹھے گیا تے آکھن لگا یار نویں گل سنی آئی کہ کوئی نہ ہو سکے کوئی نہ او آکھن لگا آیا ہے گل میں سنی آئی تیرے محمد نے کہا جو میں راتی دیا ان ستا آسمان تے اٹھے گیا اٹھے اللہ نال ہم کلام ہویا اللہ نے مینو اے انعامات دتے میں جنت دیاں سیراں وی کیتیاں تے جنت دے اندر مینو اللہ کریم نے میرا بنے ہویا کوٹھا وی وکھایا یہ بتلیاں خبراں وی آن کے دیندا پیا ہے چپ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سردے رہ گئے آخر کار انہوں نے آکھیا اچھا یار یہ مینوں دس کہ یہ واقعتا گل میرے محمد رسول اللہ نے کیتی ہے کہ نہیں تو ہو جو کافر تے کافر دی کہیں گل تے اعتبار کوئی نہیں آندا اعتبار وہ آخر لگا جی میری گل تو یقین نہیں آتا فلانا بندہ تاری اپنی جماعت اس کو میں سن کے آیا میں بیت اللہ دے خدا دی قسم اینی گل اکو صدیق اکبر آخر لگے او یار میرے محمد نے گل کیتی مینو اللہ دی قسم زمین آسمان تا پھٹ سکدے مگر محمد دی زبان چو کدی جھوٹ نکل سکدا ہی نہیں
कामिल दर्जे दे यकीने जिन्होंने खुद कन्ना नाल ता नहीं सुनिया मगर जिथे जुबान मोहम्मद रसूल अल्लाह दा मामला आया है उन्ना मन पहले लिया तो सुचे देते ताकि कहां पीछे करें दे रह गए क्योंकि किस पैगंबर दी जबान दा यकीन दा ते सफाइयां दिया शहादतां दा ऐलान खुद रब पिया करें दा उस पैगंबर दी जबान ते इतमाद यकीन मुसलमान सदावन वाला ना पिया करें दा इस तो वड्डा बदनसीब खुदा दी मखलूक जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें गुजर दे पैन सोने मोहम्मद रसूलुल्लाह दे इब्तिदाई अय्याम नबुव्वत अल्लाह दे पाक पैगंबर जो इन्हें गुजरे ते अचानक उन्हां दी अंज करके नजर पई ता अबू जाल एक औरत नाल जुल्मों सितम खला करें दे अल्लाह दी पाक पैगंबर दी जगह नजर पईए अल्लाह उस औरत दे हत्था दे अंदर लोहे दियां मेखां गाड़ियां गईयां पैरां दे अंदर भी बेड़ियां पहनाईयां गईयां उठ बद्धे खलोते हैं एक दम मशरक वल ते दूजे दम मगरब वल हो गया उदो जालिम खला मरेंदा है उदे सीने दुते पत्थर रखे ते उते एक बंदा भी चराई खलोता है ते नाल उदे रुख सारा ते थप्पड़ मार के आदे होर भी वे लई होर भी पैगंबर तू इतमाद उठा लै बजुर्ग ते प्यो दादे दे मजहब ते आ जाए जिवें अगे सौखी खुश पई वसदी आए अपने घर दे अंदर होर भी वे लई कि मुहम्मद दी जबान तू इतमाद उठा लै मगर ओ वल वे पड़दी पई ला इला ਉਹ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੜੋ ਜਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ जिस वक्त तो बार बार उसने विरद करना शुरू कर दिता है आखिरकार उन्होंने पहले तो दे खावन नु शहीद कर दिता वालो दा मासूम पुत्र उन्हें ले आए ते ले आके आखन लगे इस तेरे पुत्र नु भी तेरी अखी दे सामने इनू अस ज़िबा कर देना है हुण भी वे लई तां तां उतुल करीम दे कुरान ने भी क्या फैसला फरमाया है वाला नबलुवन्नकुम बिशैयन मिनल खौफ वल्जूफ वनक्सिम मिनल अमवाल वल्अन्फुस वस्समरात वबशिर الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم करीम फरमांदा है मैं रब ने तुहानूं मुख्तलिफ मुसीबतां ते अजमाइशां दे अंदर मुबतला करना है मगर मोमिन की सिफत अरामत है और दुनिया दे सुख वल नहीं वेखदा बल्कि अगले सुख ते ओदी नजर आउंदी है लिहाजा जद अगले सुख दे उत्ते बंदे दी नजर पैदा हो जाए वल ओनू हर दिन ईद आला नजर आंदा पिया हुंदा है ओनू हर दिन
मैनू खुशी आती है कि शुक्र है मेरा तालुक कहीं पैदा हो गया है। तो जेकर बंदे का तालुक ईमान नाल ना होवे रब दे कुरान नाल ना होवे वल भावें हजारा ईदा भी मनाई रख वल ईद नहीं ओदे मगरू वाला के वईद तेरे वास्ते बन सकती है। लिहाजा अल्लाह करीम ने जद उतू नामा तज़िक्र फरमाया तवज्जो कर एक आम जई औरत है मगर ओदे अंदर दौलत ईमान आली है मुसीबत आन ला रही है मगर नतीजा ते निकलिया उला सलावात सलात का क्या माना होता है? अजान तो पहले के पढ़ते हैं सलातो सलाम। सलात का क्या माना होता है? दरूद रहमत। अल्लाह फरमाता मैं एक रहमत नहीं भेजन सलावात ही हो जाए मोमिन ते मैं अल्लाह सारिया रहमत चाह के मुथा छोड़ेगा अल्लाह व रहमतुन। फिर आम ओदी जिंदगी दे अंदर भी हमेशा मैं रब दी रहमत वसदी रहती है। ओ मेरा सोहना पैगंबर उलाइक हुमुल मुहतदून असल महदी वेखड़े इंतसिरत है मुहम्मद दी जमात है मुहतदून महदी। ओ समझ आती पई ने? हाँ असल महदी असहाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह है जमात मुहम्मद रसूलुल्लाह है। इस वास्ते अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन मैं मुहम्मद का हर सहाबी महदी है। क्या है बोलो? ये नबी का फरमान है। तुहाडे कन्न ते ना अपने होवे ते मेरा केड़ा कसूर है? असल महदी कौन है? असहाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह। सारे आखो असहाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह। महदी कौन हैं? हाँ खुलफाए राशिदीन अल महदीन मुहम्मद दा हर सहाबी महदी है। उत्तो कुरान भी आता है उलाइक हुमुल मुहतदून असल हिदायत चलन दा हक अदा कीता है तो मुहम्मद दी जमात रे अदा कीता। ये शर्फ उन्होंने क्यों नसीब होया है? कि अल्लज़ीना आमनू उन्होंने यकीन रब दे कुरान ते रखे है सोहे मुहम्मद दी जबान ते रखे है इंज दा जिसनू रब दे कुरान ते इतमाद हो जाए अल्लाह दी कसम है वह समझे कि उसके वास्ते हर आवन वाला दिन अल्लाह ईद बना छोड़े है। जिक्र चीज नहीं है ते भावे अज ईद दे अंदर आया बैठा है तो वईद है ईद नहीं है। तो भाईओ अज दे दिन खुदा नू रो रो के मना लो। खुशी उसे नू मिल सी जिस दी तौबा अल्लाह कबूल फरमा ले जिस दे गुनाह अल्लाह माफ फरमा दे। खुशी वाला दिन ने ते इस तरह मेरे ख्याल कट्टा दिता है तो बख्शी भी है। भाइयो अल्लाह पाक ने ही तुहानू तौफीक दित्ती है ते तां तुसा तशरीफ ले आयो ते अल्लाह दे दरबार ते उहो ही आंदा है जिसनू पसंद कौन करदा है? अल्लाह करदा है। अल्लाह पाक ने तुहानू आवन दी तौफीक बख्शी है तुहानू पसंद फरमाया सी। अल्लाह दी पसंद दी कदर करो अल्लाह दी दित्ती हुई तौफीक दी बेकदरी ना करो। तशरीफ ले आए हो हुण अपने वापस जाण दे विच तुहाडे हर कदम कदम ते अल्लाह दे फरिश्ते तुहाडे हक दुआ खले करे दे हो सै मगर
उस बंदे वास्ते जिसकी अज दे ईद नू अल्लाह कबूल ते पसंद फरमा लिया। असा सारे गए हैं, एप्लीकेशन असा सारे दीती बैठे हैं, दुआ ही करिए जो साडे विचों कोई रिजेक्ट ना हो जाए, सारियां नू अल्लाह पसंद फरमा लए। अल्लाह अगे तौबा करो, अल्लाह जो हो गया सो हो गया, गलती हो गई, सानू तू इंसान की बनाया है, होता इंसान ही नहीं जरा गलती ना करे। अल्लाह जी ऐसा गलती ना करी तो तू गफूर रहीम किए हो गया, ऐसा गलतियां कीतियां तो तू गफूर रहीम है, असा कहां बैठे हैं तू मेहरबानी फरमा, आज असा सोटियां सड़ के तेरे मुंह ते आ गया है। या अल्लाह पिछले ते मेरा तू फिर दे, आइंदा तैनू असा ना रोसन दिसाए, असा हर वेले तेरे नाल ताल्लुक रखाए, ये आज वादा रब नाल च पैदा फरमाओ, इंशा अल्लाह अल्लाह पाक सारे पिछले सारे अल्लाह गुनाह माफ फरमा दे। इन करे सो जी, सारे तो बोलो यार, इन्हें करे सो अल्लाह शाला सारे तौफीक नसीब फरमाए, जिंदगी रही तवल, अगले साल अल्लाह पाक मुलाकात नसीब फरमाए, ये दिन फिर असा सारे इस तरह फिर अल्लाह कठिया नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हर मुसलमान नु ऐसिया बेशुमार खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह पाक तुहाडे मेरे गुनाह माफ फरमाए। अल्लाह पाक तुहाडे मेरे माल औलाद जायदाद के अंदर बरकत का नुज़ूल फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।